हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम क्लास 8th जो इंग्लिश बुक है हनी ड्यू, इसका पार्ट 3 जो चैप्टर 3 है वो पढ़ते हैं हम। और हम तो वीडियो जो है पार्ट 1 व पार्ट 2 या पार्ट 3 तभी बनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, शुरुआत करते हैं ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट। ग्लिम्सेज का होता है कुछ दृश्य, तो पास्ट के मतलब पहले के अतीत के कुछ दृश्य या यादें भी होती हैं ग्लिम्सेज, पुरानी यादें कुछ। तो शुरुआत करते हैं, बिफोर यू रीड हाउ आर हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस। यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल मतलब जो पिक्चर्स के द्वारा प्रदर्शित ग्लिम्सेस हैं, दृश्य हैं कुछ या यादें कह सकते हैं, ऑफ द हिस्ट्री अपने जो इतिहास की, ऑफ अवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857 तक की हैं। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, पिक्चर्स और जो स्पीच बबल्स हैं मतलब जो इसमें लिखे हुए हैं, विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और इसमें हमें यह समझ में आएगा, स्पष्ट होगा कि क्या ऐसी कंडीशंस रहीं जिससे 1857 में जो है फर्स्ट वॉर हुआ इंडिपेंडेंस का। तो ये सब हम समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के लिए किस तरह से जो एक युद्ध छिड़ा 1857 में, ये सब इसमें बताएगा। तो पहला इसमें पॉइंट है द मार्टियर्स, मार्टियर्स होता है शहीद लोग। तो शुरुआत करते हैं, एट अ फंक्शन इन दिल्ली। अगर इसमें आपको स्पष्ट दिखाई ना दे तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, हो सकता है ना दिखाई दे तो फिर भी कोशिश करें। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ, तो इसमें देखो ये एक गाना जो था आपका, ए मेरे वतन के लोग जरा याद करो, ये था वो देशभक्ति सॉन्ग था, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ओ माय कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आंखों में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टियर्स, जरा याद करो जो है जो पूरी लास्ट वाली लाइन कहती अपने शहीदों को, ठीक। तो ये है, जरा याद उन्हें भी कर लो, इस तरह लास्ट वाली लाइन मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो एक रिकॉल का अर्थ है याद करना, सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान, इंडियाज मार्टियर्स मतलब देश के शहीदों के बलिदान को याद करो, कर लो ठीक। अब ये सेकंड पॉइंट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय, जो कंपनी की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसकी किस तरह से जो विजय हुई इंडियाओं किस तरह से आई, तो ये सब बताया गया है। तो विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो अपने जो है श्रेष्ठ हथियारों जो वेपन्स थे उसके अस्त्र शस्त्र थे, तो उनके साथ वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इन इंडिया, 18वीं शताब्दी में जो है वो जो है अपनी जो शक्ति थी पावर थी उसे एक्सटेंड कर रही थी, एक्सटेंड मतलब बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेज वॉज शॉर्ट साइटेड, और इंडिया के जो प्रिंसेज थे राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे, शॉर्ट मतलब निकट दृष्टि मतलब जो है कम सोचते, वो आगे के बारे में नहीं सोचते थे कि आगे क्या हुआ, ठीक। तो ऐसे शॉर्ट साइटेड थे, दैट अपस्टार्ट राजा बाह, तो ये कह रहा है कि राजा बाह जो है थे, अपस्टार्ट करते होता है जो न्यूली मतलब नए नए बने हैं, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, उन्होंने जो है इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और इसने ये जो है सोचा कि जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं जो इंग्लिश के जो व्यापारी हैं अंग्रेज हैं, तो वो जो दूसरे राजा को हराने में मदद करेंगे, ये ऐसा सोच रहा है। हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और जो है लोगों में शांति नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि उनमें लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती, कॉन्स्टेंट फाइट्स का अर्थ है लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती, इसलिए शांति नहीं थी। आगे द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रिवेलरीज मतलब जो विद्रोह होते रहे, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन, और जो रिवेलरीज विद्रोह या विद्रोह करने वाले थे तो उनकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे हेल्प मिली, और ये जो इंडियन प्रिंसेज थे भारत के जो राजकुमार थे राजा थे, तो उन्हें वो आसानी से सबड्यू कर पाए, सबड्यू मतलब गुलाम बनाना, उन्हें जीतना, तो बड़ी आसानी से वो एक एक करके उन्हें जीतते गए अंग्रेज लोग। अ फार सींग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ माइसोर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और जो फार सींग मतलब दूर तक देखने वाला कि आगे क्या होगा फ्यूचर में, आगे तक सोचने वाला देखने वाला, तो कौन था वो,
टीपू, मैसूर का टीपू सुल्तान था, तो ब्रिटिश सरकार से लड़ता रहा और उसने ब्रिटिश सरकार से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। जब तक जो है अपने मरते दम तक वो ब्रिटिश सरकार से लड़ता रहा। आगे, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाव, और ये सोच रहा है कि अब जो है देश में अब शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो हुटिंग बाय टर्क्स, अब कोई नहीं है कोई लूटिंग्स, लूटिंग लिखा है, लूटिंग मतलब लूटना, ठगों द्वारा अब कोई लूटना नहीं है, ऐसा ही सोच रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये कह रहा है कि भगवान ने जो हमारे पास ब्रिटिश सरकार को भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, ये कह रहा है कि हमारी किस्मत से उनका नाता, किस्मत जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स, और ये जो विजय रही तो इसके बारे में और इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो किस तरह से जो बातचीत कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो आगे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड अवर डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, ये कह रहा है कि जो वाइट मैन है, अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया। डिथ्रोन्ड मतलब गद्दी से उतार दिया, डिथ्रोन का अर्थ है गद्दी से उतार देना, गद्दी से उतार दिया, ये बातचीत कर रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड, वो कह रहे हैं कुछ राजा हालांकि अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, लेकिन है लेकिन वो हमारे देश के तो थे, कम से कम कैसे भी थे, अच्छे बुरे हमारे देश के तो थे। ना वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, ये कह रहा है कि अब हम विदेशी लोगों के गुलाम बन गए, स्लेव्स। ब्रिटिश रूल, अब यहाँ से वो तीसरे पॉइंट में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है, विदेशी शासन शुरुआत होता है 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीस्ट आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो धार्मिक नेता थे, वो जो है उपदेश देते थे किसके बारे में, अनटचेबिलिटी, छुआछूत मतलब एक जो निम्न जाति के लोग हैं उनसे टच मत हो, चाइल्ड मैरिज के बारे में, बाल विवाह के बारे में जो है उपदेश देते थे। एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लूजेज हिज रिलीजन, वो क्या अगर कोई समुद्र को क्रॉस करता है तो जो है अपना धर्म को छोड़ता है, मतलब अपने धर्म से उधर उधर भटकता है तो उसका धर्म गया, ठीक है, ये ऐसा सोच रहा है, ऐसा जो भाषण दे रहा है, प्रीच कर रहा है, उपदेश दे रहा है। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ये कह रहा है कि दुनिया में जो मिजरी है, मिजरी मतलब जो दुख है, वो सब किसकी वजह से है, महिलाओं की वजह से, वुमेन की वजह से है, ऐसा तो नहीं है। द ट्रुथ वॉज द इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और जो वास्तविक सच्चाई है वो क्या है कि इंडियंस का जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी, स्वयं जो आत्मसम्मान था, वो खो चुका था। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, और जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे वो उनसे नफरत करते थे, स्कॉन का अर्थ है नफरत करना, नफरत करते थे। अब ये अंग्रेज ये कह रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, वो कह रहा है कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो कैसे हैं, अनवर्दी हैं, अनवर्दी मतलब वो अयोग्य हैं, ऑफ ट्रस्ट मतलब जो वो विश्वसनीय नहीं है, इनकैपेबल ऑनेस्टी, और उनमें ईमानदारी नहीं है। टू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन ये कह रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हो लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, ये इंडियन है, देखो। आगे, बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज लोग थे, वो क्या बन गए, मर्चेंट्स, व्यापारी बन गए। द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे, वो तुरंत लाभ चाहते थे, क्विक प्रॉफिट्स मतलब तुरंत लाभ, क्योंकि उन्हें तुरंत लाभ मिलता जाए, बढ़ते जाए आगे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और उन्होंने जो है टैक्सेस हैवी लगा दिए किसानों पर, इंडियंस पर हाई टैक्सेस कर दिए, तो इस वजह से फार्मर्स थे उन्होंने खेती करना, मतलब जो खेत थे वो छोड़ दिए कि अब हम खेती ही नहीं कर रहे, खेत छोड़ दिए उन्होंने। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, ये कह रहा है संग्रह से कि तो जो है तुम्हारे जो लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो सारी फसल ले आ रहे हैं टैक्स के रूप में। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अब ये कह रहा है कि तुम अभी भी एरियर्स में हो, एरियर्स का अर्थ होता है बकाया, कि तुम्हारे पास अभी भी बकाया है, अगर तुम अगले सप्ताह पे नहीं करते हो तो तुम्हें कहाँ डाल दिया जाएगा, जेल में। आगे समझते हैं, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और ब्रिटिश ने फिर भी जो है कुछ मेथड्स क्रिएट करे। आगे, द गुड्स मैन, ये कह रहा है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में सामान बनता है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट इन टू इंडिया, वो कह रहा है कि जो इंग्लैंड में सामान बनता है वो सामान इंडिया में आए
तो उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयात का टैक्स नहीं लगना चाहिए कि भारत में आ रहा है तो कोई टैक्स लगेगा, इंडिया अलग उससे टैक्स लेगी, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये कह रहा है। अ गुड आइडिया, ये कह रहा है, अच्छा विचार है। तो द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और जो ईस्ट इंडिया कंपनीज के लॉज थे, नियम थे, कानून थे, उससे क्या होने लगा कि इंडियन इंडस्ट्रीज थी, मतलब इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, जो औद्योगिक जो कंपनीज थी, वो धीमे धीमे क्रिपल मतलब ख़त्म होने लगी। इनएविटेबली फेमिन्स फॉलोड, इनएविटेबली मतलब जिनसे बचा नहीं जा सके, ऐसे अकाल, फेमिन्स मतलब अकाल, भुखमरी, स्टारवेशन, ये आने लगा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, करीब 1822 से लेकर के 1836 तक कितने इंडियंस मर गए भुखमरी से, करीब 15 लाख अर्थात 15 लाख इंडियन भुखमरी से, स्टारवेशन से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, और ब्रिटिश पॉलिसीज ने क्या कर दिया कि जो एक्सपर्ट आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब जो है कलाकार कह सकते हैं, या कारीगर जो मतलब कारीगर थे, काम करते थे, तो वो बर्बाद हो गए ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, और उनका जो काम था, बिजनेस था, वो भी ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया। आगे राममोहन रॉय 1772 to 1833, और इस थोड़ा एक दो मिनट और हम पढ़ते हैं, फिर अपलोड नहीं हो पाएगी, फिर नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा। राममोहन रॉय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से थे, एक लर्न्ड मतलब विद्वान व्यक्ति थे, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, तो उन्हें समझ में आता था, वो समझ रहे थे कि जो हमारे देश के साथ में क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डेस्पाइज अवर सेल्फ्स, वो कह रहे थे कि हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, डेस्पाइज करते हेट, नफरत करना। अवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट, वो कह रहा है हमारा जो प्राचीन जो संस्कृति है वो बहुत ही महान है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, अचीवमेंट्स कुछ भी जो अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना चाहिए, रिफॉर्म मतलब सुधारना। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशंस हैं, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, रूइन का अर्थ है बर्बाद करना, मिटाना। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, काउ जो अलग अलग कलर्स में होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का कलर सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो अलग अलग टीचर्स होते हैं उनकी अलग अलग राय होती हैं, ओपिनियंस होती हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर धर्म का जो एसेंस है, सार है, वो सेम है। आगे ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो साइंस से और जो मॉडर्न नॉलेज है, आधुनिक जो ज्ञान है, उससे वो अट्रैक्टेड थे, प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड पहुँचे, टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, दे आर ही टोल्ड देम, और जो ये देखने गए इंग्लैंड में कि आखिरकार जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस तरह से शक्तिशाली हैं, दे आर ही टोल्ड देम, और फिर उसने जो बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, उसने जो अंग्रेज लोगों को बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम एक रूलर्स के रूप में आपको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और लेकिन तुम्हें भी हमें एक सब्जेक्ट मतलब प्रजा के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, बट यू मस्ट रिमेम्बर, लेकिन तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन तुम्हें वो जिम्मेदारी ध्यान रखनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी चाहिए जो एक रूलर मतलब जो है जो राजा जो राज करने वाला है उसकी एक प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। ये किससे कह रहा है, अंग्रेज लोगों से कह रहा है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, उसने जो न्यूज़पेपर शुरू कर दिए लेकिन जो सस्पिशियस मतलब जो संदिग्ध जो मतलब डाउटफुल थे उन्हें संदिग्ध हो रहा था कि ये कहीं हमें हटा नहीं दे, तो इस वजह से ब्रिटिश ने क्या कर दिया, सरकार ने क्या कर दिया कि उन्हें 1823 में उसे रोक दिया, न्यूज़पेपर रुकवा दिया कि हमारे खिलाफ ये तो षड्यंत्र कर रहा है, तो रुकवा दिया। ऑपरेशन का अर्थ होता है उत्पीड़न, टॉर्चर, हैरेसमेंट, फिर जो भारतीय लोगों का उत्पीड़न होने लगा, उन्हें
प्रताड़नाएं दी जाने लगी, सताने लगे अंग्रेज लोग 1765 से 1835 तक, ये जो है इसमें बताया गया है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, ये 15 मिनट की वीडियो रही और आगे समझेंगे फिर। थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, उसको ज़रूर देखेंगे, और लेंथी चैप्टर इसलिए हमें अलग अलग करना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, और शेयर भी करें अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को। थैंक यू।